जैसे कि आप लोग जानते हैं एमएस वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 6 में हम लोग टेबल तक जानकारी लिया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं। हाँ, आज हम लोग इस वीडियो से पिक्चर और सैप का जितना सारा फॉर्मेटिंग एक एक पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक पिक्चर ले लिया, पिक्चर को छोटा करना है तो यहां से ऐसे कर लेंगे, इसका चौड़ाई कम करना है, लंबाई कम करना, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। इसको इंसर्ट करने के बाद एक फॉर्मेट ऑप्शन खुल रहा है, यहां देखिए यहां से रिमूव कर सकते हैं, यहां से क्या ब्राइटनेस कौन सा रखना चाहते हैं, यहां से ब्राइटनेस टाइप का रख सकते हैं। देखिए इसके बाद ये कलर है, आप जिस टाइप से कलर लेना चाहते हैं यहां से कलर ले सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया। इसके बाद ये इफेक्ट है, इस टाइप से इफेक्ट ले सकते हैं, जैसा आपको लेना है यहां से ले सकते हैं। इसके बाद ये भी है, और आपको यदि इस टाइप से और दूसरा टाइप का लेना है यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो हमको जिस टाइप से रखना होगा पिक्चर इस टाइप से रख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये कैसा रेगुलेशन में रखना, जैसे ईमेल के रूप में रखना है यहाँ से हम लोग चूज कर सकते हैं, हाई क्वालिटी में रखना है तो रख सकते हैं। ये पिक्चर चेंज कर सकते हैं, यदि यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्म में जाइए, हम ये नहीं बल्कि ये ले लेते हैं। देखिए चेंज हो गया, रिसेंट कर देंगे जैसा था वैसा, मतलब कोई इफेक्ट लगाए हैं आप, जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर दिए हम और रिसेट कर दिए, जैसा था वैसा हो जाएगा। इसके बाद जिस टाइप का आपको जिस टाइप से करना है, जिस आकार में डालना है यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए इस टाइप से आपको साइड वाला जो बॉर्डर लेना है, जो ये आपका कलर है, देखिए साइड में पीला पीला टाइप का दिखाई देता होगा, ये जिस तरह का बॉर्डर है इसको आप कलर कर सकते हैं। इफेक्ट लगाना है, शैडो लगाना है, जिस टाइप से आपको शैडो लगाना है शैडो देखिए लग जाएगा, और आप खुद से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ जिस टाइप से है यहाँ देखिए इस टाइप से होते जा रहा है, आप इस टाइप से कर सकते हैं। इस टाइप से जानना चाहते हैं टेक्स्ट कहीं डिजाइन में लेना चाहते हैं यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ सबका नाम यहाँ दिया हुआ है, इसका नाम है पिक्चर लेआउट ऑल्ट टेक्स्ट। आप यहां से कुछ इसके बारे में यहां सर्च करके स्टेप देके कोई लिख सकते हैं। इसके बाद पोजीशन, पोजीशन का बात थोड़ा साइप के साथ करते हैं ताकि समझ में आएगा, आप समझ गए होंगे कि इसमें से क्या होता है। आप जिस टाइप से जाना चाहते, बहुत सारे ऑप्शन से आप जैसे डालना चाहते हैं यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसी में आते हैं, ये ऑनलाइन ले सकते हैं पिक्चर, देखिए नेट नहीं है तो नेट नहीं काम करेगा। इसके बाद ये सैप है, सैप में जाना है, जिस टाइप से आपको लेना है यहां से हम लोग ले सकते हैं। तो मैंने हमको हमको ये लेना है फिलहाल टाइम में, चाहे ये लेना है कोई भी ले सकते हैं, हमको ये लेना है तो ये ले लेते हैं। देख लीजिए इसमें भी फॉर्मेट ऑप्शन खुलता है, देखिए यहाँ से आपको यदि और लेना है तो यहाँ से और ले सकते हैं। ये जब जो ही हम लोग इंसर्ट पर जो हटा देंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन काम खत्म करना बंद कर देगा, जही इस पर प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए ये क्या है एडिटिंग, मतलब आपको चेंज करना है, यहाँ से हम गलती ले लिए हैं चाहे कुछ भी ले लिए हैं, तब इस टाइप का लेना था तो इस टाइप से हम लोग ले लेंगे। देख लीजिए चेंज हो गया, इस टाइप से जिस टाइप का कलर लेना है यहाँ से कलर ले सकते हैं। यहाँ से भी आप कलर बदल सकते हैं, और जब यहाँ आए तो इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ यदि पिक्चर डालना है तो यहाँ से आप पिक्चर डालेंगे तो एकदम इसके साइज का पिक्चर होगा, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए हम यहाँ से कर लिए, अब देखिए इसको आराम से कहीं भी, पिक्चर नहीं जाता था
लेकिन इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ये आउटलाइनिंग है, थोड़ा जो साइड में देखिए यहाँ आउटलाइनिंग है इस टाइप से, हम रेड कर देते हैं तो रेड अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ रेड भी आ गया है। ये इफेक्ट आपको शेडो लगाना जिस टाइप से लगाना चाहते हैं यहाँ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यदि इसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे, टेक्स्ट ड्रा पर प्रेस कर देंगे और देखिए इसे आपको जिस टाइप का लेना है यहाँ से हम लोग उस टाइप का लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट करना है इसको, सिलेक्शन कीजिए और डिलीट पर प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ आगे देखते हैं, ये समझ गए आप। अब देखिए ये पोजिशन है, तो पोजिशन करने से पहले एक और चीज को हम लोग कुछ नया करते हैं इसमें, ठीक है। इसको भी नया, अब देखिए जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे हमको लिखना है। देखिए मैंने मान लीजिए कि इसके बारे में हम किसी के माने या मान लीजिए कि इसके जो चीज पिक्चर डालते हैं इसके बारे में हम लोग लिखे, मान लीजिए कि ये विद्या की देवी हैं इनके बारे में हम लोग लिखे हैं। तो देखिए अब देखिए पोजीशन क्या करता है, आपको जहां जिस टाइप से यहाँ देखिए कर्सर सब दे रहा है कि बिलो करना है तो पोजीशन बॉटम मतलब नीचे, ठीक है। ये जिस टाइप से आपको पोजीशन रखना है वहां से एडजस्ट हो जाता है ये ऑटोमेटिक। और देखिए ये क्या है बिहाइंड, हम पीछे पीछे देखिए पीछे हो गया, तब इस टाइप से हर पोजीशन को दे सकते हैं, बिहाइंड फॉन्ट कर सकते हैं, ये अपने पे स्क्वायर रूप में रखते हैं, स्क्वायर रूप में टेक्स्ट, ये सब इन द लाइन मतलब ऊपर, ये सब देखिए ये सब होते जा रहा है। इस टाइप से हम लोग को जहां रखना है यहां से रख सकते हैं, फिर वापस लाना है तो फॉन्ट कर देंगे यहां से आ जाएगा। इसके बाद देखिए ब्रिंगिंग करना है आपको, जैसे हम लोग कर रहे हैं इस टाइप से, देखिए यहाँ इस टाइप से हो जाता है। और ये सेंड बैकग्राउंड, इसको थोड़ा देर के देखिए यहाँ एनालाइज, इसे मिडिल रखना है, सब देखिए टोटल ये चीज टाइप से होते जा रहा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कब काम करता है, जब हम लोग पिक्चर रखे रहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये ग्रुप वाला ऑप्शन नहीं काम कर रहा, तो ग्रुप में कम से कम दो आदमी होना चाहिए, तो यहाँ से कम दो ले लेते हैं, इसमें पिक्चर डाल देते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। ठीक है देखिए ग्रुप में रखना था, कंट्रोल पाथ रखेंगे और दोनों को सिलेक्शन कर लेंगे और वापस क्या हो जाएगा एक ग्रुप में हो जाएगा। देखिए साथ ही अब कहीं भी जाएगा तो दोनों साथ पे जाएगा। रोटेट करने यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए ये भी एक फॉन्ट ऑप्शन खुला है, तो पता है कि पिक्चर के बारे में हम लोग जितना सारा पोजिशन है ये सब, अब देखिए जिसके बारे में साइज बढ़ाना है तो इस पर कर्सर रखिए, इसका साइज बड़ा कर दीजिए, यहाँ से हम लोग साइज बड़ा कर सकते हैं। देखिए अब ये हो गया आपका, तो सेव तक रहते हैं, इसलिए हम लोग पूरा एक पॉइंट पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ सके। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ।